राजस्थान के पुलिस महकमे में एक सेक्स वीडियो ने आज कल प्रशासन की नींद उड़ा रखी है। सेक्स वीडियो एक महिला कांस्टेबल और डीएसपी हीरालाल सैनी का है। इस वीडियो के सामने आने के बाद दोनों को सस्पेंड करके गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला कांस्टेबल को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिसके बाद उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। वहीं डीएसपी की मेडिकल जाँच कराई गई। मामला क्या है पहले समझ लेते हैं। मामला इसी साल 10 जुलाई का है। महिला कांस्टेबल ने अपने छोटे बच्चे के लिए पुष्कर के एक 5-स्टार होटल में बर्थडे पार्टी रखी। इसके लिए एक लग्जरी सूट भी बुक कराया गया था। इसी दौरान प्राइवेट स्विमिंग पूल में महिला कांस्टेबल और डीएसपी हीरालाल सैनी बच्चे के सामने नग्न अवस्था में नहाए और वीडियो शूट किया। ये खुलासा कैसे हुआ वो हम आपको बता दें हैं। बताया जा रहा है कि महिला कांस्टेबल वीडियो को मोबाइल के अलग फोल्डर में सेव कर रही थी, लेकिन उस गलती उन्होंने वीडियो को व्हाट्सएप स्टेटस पर अपलोड कर दिया। इसके बाद वीडियो वायरल हुई और मामला थाने में पहुंच गया। राजस्थान पुलिस ने दोनों पर कार्रवाई करते हुए सस्पेंड किया और फिर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। राजस्थान पुलिस में एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है, डीजीपी ने ऐसा माना है। पूरे मामले के सामने आने के बाद अब राजस्थान पुलिस की किरकिरी हो रही है। डीजीपी लाठर ने अंग्रेजी चैनल इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि यह मामला बेहद चौंकाने वाला है और पुलिस महकमे का मनोबल गिराने वाला है। यह दो वयस्कों के बीच यौन संबंध बनाने के कृत्य से परे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस में एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है। ये थी आज की खबर, लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें।